हमारा हस्बैंड एचपीसी में नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हालत इतनी खराब है कि जो कि 2 साल से हमारा सैलरी नहीं है। सैलरी नहीं होने के कारण हम लोग इस बार पंचायत इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर 2016 में 27 मार्च को आए थे, बोल के गए थे जो हमारे स्कूल चलाएंगे, मगर अभी तक कोई कुछ नहीं है। हमारे सरकार द्वारा 90 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था, मगर अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोग नहीं जानते जो पैसा कहाँ गया, इसीलिए हम लोग हमारे हालत बुरी हालत के कारण हमारे सैलरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इस बार वोट नहीं डालेंगे। हम एचपीसी फैमिली एम्प्लाई एनम बच्चे सभी हम भूखे मर रहे हैं। आज 24 महीने से हम लोग का सैलरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना भी हमारे तरफ नहीं देखते हैं। इन बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है, ये एचपीसी फैमिली का क्या हो रहा है, कितना बार यहाँ आके चले गए, बोल के गए 2016 में हम आपको भाग देंगे और इस मील के ताला लगा हो ताला खोलेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन है, हम वोट नहीं देंगे। यदि हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया, हम बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। जब वोट तभी देंगे जब हम लोग का सैलरी अकाउंट में आएगा। ये एचपीसी 3 साल से बंद है और हस्बैंड उसमें काम करते हैं। यहाँ इतना दिक्कत हो रहा है सैलरी बंद के कारण, खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। इतना ड्रेन गंदा, सब अगल बगल सब गंदगी इतना फैला हुआ है, रहने का मन नहीं करता है। इसलिए आप सैलरी देने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ जीना तो बहुत मुश्किल है बिना सैलरी का। आमी मोहम्मद रजाक आली, एचपीसी खासार पेपर मिले विगत 38 बचर धरे चाकरी करछि, किन्तु आज 3 बचर धरे मिल प्रोडक्शन बंद, 2 बचर हो गेछे आमादेर वेतन बंद। आमादेर वेतनेर जन्य 90 कोटी टाका पार्लामेंटे सैंक्शन करार परेओ एटा आमादेर देवा हच्छे ना, कि जन्य देवा हच्छे ना आमरा एटा बुझते पारछि ना। आमरा एई जन्य बुट बयकट करब सिद्धान्त नियेछि समस्त एमप्लयी मिले, এবং আগামী দিনে আমরা আমাদের আন্দোলন আরো তীব্রতর করব। যদি আমরা বেতন না পাই, মিল যদি রিভাইভেল না হয়, আমাদের আন্দোলন আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ।